स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी वर्सेस कंचना यादव, सुधांशु त्रिवेदी ठग लाइफ डिबेट वीडियो। सुधांशु भाई जो धोते हैं ना किसी को सच्चाई के साथ विदाउट डिटर्जेंट पाउडर अच्छे से धोते, ये तो मेरे को दिखा है। कई बार डिबेट देखी है उसकी, और हाँ भाई सच्ची बात पे वो बात डिबेट करते हैं, वो कभी मतलब क्या बोलते हैं सबूत के साथ। उनको नॉलेज भी बहुत है, नॉलेज तो भाई भर भर के है भाई, मजा आता है उसकी डिबेट देखने में। दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं, अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितना दिन लगे। अब हमसे इन्होंने भी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना। उसमें मौजूद थे वो लोग जो भारत को आजादी दिलाए, भारत को आजादी दिलाए, लेकिन आपके लोग उस पर नहीं। भैया आपकी पार्टी 1990 में बनी, जवान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। कान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है। अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठ कर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे हैं भाई। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जालिम दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट होने वाली है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में कंचन यादव जो RLD के प्रवक्ता है उसकी आज डिबेट में अच्छी तरीके से क्लास लगने वाली है। वैसे कंचन यादव को अगर सुप्रिया सीनेत जो गाली वाली मैडम है उसकी अगर छोटी बहन भी बोल दे तो मानो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनकी हरकतें डिबेट में देख कर हमको गाली वाली मैडम की याद आती है। लेकिन डिबेट में आज कंचन यादव जो गाली वाली मैडम की छोटी बहन है वो आज डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी के सामने ऐसी फंस गई, क्योंकि मानो सुधांशु त्रिवेदी ने उसकी आज लंकाई लगा। वीडियो बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली, तो आप प्लीज ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चना यादव, लालू यादव को क्यों बोलना पड़ा कि संविधान बदलने की कोशिश करेगा, देश की गरीब जनता उनकी आंख निकाल लेगी। लेकिन संविधान तो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी नहीं, प्रधानमंत्री ने तो उल्टा बोला कि संविधान है और हमेशा रहेगा। देखिए दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है, एक ही व्यक्ति का चलता है। मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं, जो एक रील वाले राम है ना वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ED और CBI जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ED CBI कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो PM मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि आपकी मंशा है। मंशा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले PM के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं, आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, PM के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे, उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है। तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे जनता सड़क पर उतर आएगी, वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको बंद करिए और बोलिए सबको माफी मांगे। आपका कोई अधिकार नहीं, अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। रुक तेरे को बताते, कंचना यादव जी बता सकती हैं कितने दिन, हमसे इन्होंने भी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना, बताइए मुझे संख्या। अरे दो साल 11 महीने 18 दिन 167 बैठकें हुई थी, आपसे ज्यादा इस पर हमें जानकारी है क्योंकि हमारे लोग उसमें मौजूद थे, वो लोग जो भारत को आजादी दिलाए। लेकिन आपके लोग उस पर नहीं होंगे क्योंकि आपकी पार्टी 1990 में बनी। जवाब, एक सेकंड, कंचना यादव जी अब मैं जवाब दे दूं। ओके, अब मैं बताता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको न पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे HN मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश
मैं माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता, मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है, इसलिए मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है, संविधान की मूल भावना कुचली गई है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ, और आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन किया 28 अगस्त 1947 के संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है, एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया, अब अलग पहचान अलग चुनाव की बात मत करो, अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आपके खड़े हुए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है, जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं, और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी, क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले बिहार के पूरी बेचने के लिए क्या बोलते हैं, अरे भाई क्या बताएं, इसके बाद भी शर्म नहीं आती, ये देश को तोड़ने की बात है, अब बताइए अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती, अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जो हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर थे, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के कौन जेल में था नाम बताइए, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में, सिंह और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या आप, अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी, और आज आप बैठ कर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं, और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, आप तो प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते, ठीक है, सुधांशु जवाब दें, अजीज खान ने उनको डांट नहीं निकाल, रीना गुप्ता, ओके ओके ओके, देखिए 1 vs 3 है, मेरा निवेदन है एक एक करके, सुधांशु क्विक रिप्लाई, जोश कंचना जी ज्यादा जोश में मत आइए, मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, और आप संविधान की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, देवल ने शपथ दिलाई, किसकी शपथ ली थी, क्वीन की शिवनिष्ठा की शपथ ली थी, यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि है। अरे भाई सुनिए कंचना जी, अनफेयर है, फैक्ट है, अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत, अरे आप कहां थे, आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई, ए लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, आप पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये काली वाली मैडम की छोटी बेल लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, एक मैडम जो है भाई छोटी, आपकी एज बहुत कम है, सुधांशु त्रिवेदी का जितना एक्सपीरियंस है उस इतनी एज मेरे को नहीं दिख रही आपकी, उसको आप बोल रहे थे संविधान कितने दिन में बना था, बोलो भाई कुछ तो शर्म कर लो भाई, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही, और ये हर बार ईडी का, भाई ईडी जो है वो क्या भाजपा वालों ने बनाई थी, ईडी तो कांग्रेस ने बनाई थी भाई, वो उसका काम कर रही है, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत आ रही है, दिक्कत इसलिए आ रही है क्यों, क्योंकि जो पैसा आपने जो लूटा था वो अब नहीं मिल रहा है, अब वो ले जा रहे हैं, तो दर्द तो होगा भाई, ये होगा, ये हाँ। जरूर होगा, और ये एक बात और भी ये लोग बोल रहे थे, नहीं लोग हमें भी कमेंट में कहते हैं ना कि भाई आप मतलब बीजेपी के समर्थक, हम है क्या करोगे भाई, जो पार्टी काम कर रही है वो हमें दिख रहा है, और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट, देखो हम तो गुजरात से है और बीजेपी के राज में ही हम बड़े हुए हैं भाई, हमने देखा है उसका काम, तो फिर हम कर सकते हैं ना, और ये हमारा अधिकार है, जैसे आपका अधिकार है, आप जिस पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हो
उसमें कोई दो राय नहीं है। हर को हर एक पार्टी का सपोर्ट करो, कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सपोर्ट करो, विरोध करो, सब कुछ करो। मेरी राय एक ही है, देश को मत भूल जाना भाई। हाँ, और ये मैडम एक बात और बोल रही थी कि हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे और आपके लोग अंग्रेजों के साथ डील कर रहे थे, तब तो ये भाजपा बनी ही नहीं थी, पार्टी ही नहीं थी। बिल्कुल 1990 की बात, तो तब तो ये पार्टी बनी थी, तो फिर ये अंग्रेजों के साथ डील कौन करने गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे जानते हो? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कौन थे जानते हो? क्या ये हमारे लोग, मतलब ये पूरे भारत के लोग नहीं थे? ठीक है, शहीद भगत सिंह जी, ठीक है, वो कौन थे? वो सब क्या थे, मतलब क्या वो भारत, मतलब ये क्या हमने कुर्बानी दी थी फलाना ढिमकाना, मतलब होगा तो मेरे को तो मेरे को प्रॉब्लम ही वही आते हैं जब एक एजुकेटेड लोग ऐसी डिबेट करते हैं, तभी आप बोलते हैं ना विरोध क्यों करते हैं। अरे भाई वो जो भी थे वो हम ही तो थे, वो थे तो अब हम है, हमारे ही मतलब पूर्वज बोलते हैं। बिल्कुल, वो लोग नहीं होते तो अब कहाँ होते, अभी आज भी हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो इसमें ये कहाँ है हमने कुर्बानियां दी फलाना ढिमकाना। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने आजाद करवाया देश, तो उसमें सिर्फ महात्मा गांधी जी अकेले का हाथ नहीं, पूरा देश उसके साथ था, उन्होंने देश को जोड़ा एक साथ में, तब जाके हमें आजाद। बिल्कुल, ये कहा, मेरे को तो ये डिफरेंसेस समझ में नहीं आते कि हमने कुर्बानी दी, मतलब कांग्रेस पार्टी, तो मतलब तो यही हुआ ना, तो अब हमारी जो बॉर्डर पे है, हमारी जो आर्मी है, हमारे तीन आर्मी, नेवी, ठीक है, हमारे एयरफोर्स, हमारी ये भूदल आर्मी, ये तो उसका कुछ काम ही नहीं है ना भाई। आप लोगों ने कुर्बानी दी तो आप लोग जाओ ना वहां पे सिक्योरिटी करने, अभी देश की हिफाजत करने चले जाओ ना, यहाँ पे क्यों डिबेट करते हो फिर भाई? देश एक है, ऐसे एक साथ में सब, आपको पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ दिक्कत है तो उसको बोलो ना, उसमें देश में ये क्या हमान, हमने मतलब आप ही थे क्या कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी देने बहुत लोग थे, और किसका नाम ले और किसका ना ले मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो जब मेरे पास कोई बोलेगा तो मैं तो बोलूंगा भाई जितना पे लिस्ट था वो लाओ, मैं पूरा नाम पढ़ देता हूँ, मेरे को तो दिक्कत नहीं है। जो भी है, वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहे दोस्तों, आपसे विदा ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।